हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड एनसी। MIUI 11 का लेटेस्ट अपडेट आ चुका है दोस्तों। अभी जो मेरे पास फ़ोन है वो रेडमी नोट 6 प्रो है। यहाँ पे जो है MIUI 11 का अपडेट आ चुका है, जिसका वर्जन 11.0.3 है। तो इसके लिए सबसे पहले सेटिंग में चलेंगे, अबाउट फ़ोन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैं अभी का MIUI वर्ज़न है वो 11.0.2 है। और यहाँ पे हम सिस्टम अपडेट में चलते हैं तो यहाँ पे जो देख सकते हैं MIUI का वर्ज़न है वो आपको 11.0.3 MB का और ये स्टेबल वर्जन का अपडेट आया हुआ है। और ये जो अपडेट है ये 371 MB का अपडेट आया हुआ है। तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको यहाँ पे इस अपडेट में नहीं देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे आपको सिस्टम में जो है अपडेट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल जो है वो फरवरी का हो जाएगा और इंक्रीज किया गया है सिस्टम सिक्योरिटी को। तो चलिए डाउनलोड करते हैं, मतलब अपडेट करते हैं इस अपडेट को, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें और भी कोई चेंजेस देखने को मिला है या फिर यही जो सिस्टम में ऑप्टिमाइजेशन किया गया यही देखने को मिला है। जो अपडेट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि रिबूट नाउ का ऑप्शन आ चुका है। तो रिबूट नाउ करते हैं और आपको बताते हैं अपडेट के बाद कि इस अपडेट में हमें क्या क्या नए चेंजेस देखने को मिले हैं। फाइनली मैं रिबूट करके वापस आ चुका हूँ। तो सबसे पहले सेटिंग में चलते हैं, अबाउट फोन में, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैं MIUI का वर्जन है वो 11.0.3 हो चुका है। चलते हैं सिस्टम अपडेट में, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो मैं MIUI का वर्जन है वो 11.0.3 हो चुका है। अब बात करते हैं एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल का। तो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल जो हमें फरवरी का देखने को मिल चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2020.05 का हो चुका है, मतलब फरवरी का हमें लेटेस्ट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट मिल चुका है। अब बात करते हैं सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन में। तो जब मैंने 11.0.2 किया था उसके कुछ ही दिनों के बाद जो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैंग कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा बग थे इसमें। एक ऐप से अगर दूसरे ऐप में स्विच करता था तो फ़ोन जो है वो लैग हो जाता था, वहीं पे फंस जाता था। तो काफ़ी ज़्यादा जो फ़ोन था वो हैंग कर रहा था 11.0.2 के अपडेट में। तो मैंने जो MIUI का जो 11.0.3 का अपडेट है लेटेस्ट वाला, इसे करने के बाद मेरा जो फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। फंक्शन जो है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी फ़ोन में लैग या फिर हैंग जो फ़ोन वो नहीं हो रहा है। तो ये अपडेट जो है अगर आप में आ चुका है, आपके पास Redmi Note 6 Pro है, अपडेट आ चुका है, तो आप फटाक से जाके इस अपडेट को कर सकते हो। काफ़ी अच्छा अपडेट आया हुआ है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिला है, बट हाँ सिस्टम में ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो ये कुछ बातें थे MIUI के 11 के अपडेट से रिलेटेड। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ एक न्यू और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।